नमस्कार, निस्व बिहार में आप सभी का स्वागत है। क्या हो जब आपकी रक्षा करने वाली पुलिस ही भागने लगे, पुलिस को ही दौड़ा दौड़ा कर ईंट पत्थर मारे जाने लगे। जी हाँ, यह ताजा नजारा है सिवान जिले के गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के छितौली गांव का मूसा टोली की यह घटना है, जहां पर असामाजिक तत्व हाथ में लाठी डंडे लेकर पुलिस को दौड़ा रहे हैं और पुलिस अपने जान बचाकर भाग रही है। सूचना के अनुसार गांव में पुलिस छापेमारी करने गई थी। शराब मिलने की जानकारी हुई थी पुलिस को। शराब माफिया और असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल घंटों तक बना रहा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की टीम दौड़ते हुए भाग रहे हैं। इस घटना में दो पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए हैं, लेकिन पुलिस किसी भी घायल के होने से इनकार कर रही है। क्या यही है सुशासन बाबू की सरकार, जहां एक तरफ तो खुलेआम शराब बिकती है, वहीं दूसरी तरफ शराब माफिया और उसके असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस को ही निशाना बनाया जाता है। आखिर कुर्सी की राजनीति कब तक? शराबबंदी के नाम पर शराब बिकना आज भी जारी है, लेकिन नीतीश सरकार के किसी भी अधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता से जब शराबबंदी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो पूरी तरह से नकार दे रहे हैं। कब तक होती रहेगी बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ते रहेंगी।